हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है ना, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम ये क्लियर कर ले मेटाबॉलिज्म है क्या चीज। एक्चुअली यहाँ पर मेटाबॉलिज्म सुनते आए हैं हम लोग। मेटाबॉलिज्म की एक बेसिक सी डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी होगी कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो अल्टीमेटली क्या हो रही हैं। तो यहां पर जो मेटाबॉलिज्म का बेसिकली जो हम पार्ट पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, वो रहेगा हमारा रेस्पिरेशन वाला, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे बेसिकली तीन चीजों का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम यहाँ ये देखेंगे कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी कि रोटी खाई, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो आखिरकार अंत में जाकर के एक अगर हम छोटी सी बात करें तो जो रोटी मैंने खाई है, ठीक है, जो रोटी मैंने खाई है, चपाती जो मैंने खाई है, ठीक, चपाती के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, यहां पर क्या था? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का अंत क्या है? इस कार्बोहाइड्रेट का अंत हमारी बॉडी में क्या होगा? सबसे पहले तो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से अल्टीमेटली ये क्या निकाल के देगा हमको? एटीपी, एनर्जी। आखिरकार जो भी चीज हम खा रहे हैं उसका अंत यही है कि वहां से हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, जिससे कि हम जिंदा रह सके। हर काम करने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो यहां बेसिकली हम लोग मेटाबॉलिज्म में यही देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस तरीके से आखिरकार एटीपी में बदल जाते हैं, किस प्रकार बदल जाते हैं एटीपी में। ये बात समझ में आ गई, किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, मान लो दूध पिया हमने, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो ये आखिरकार हमको एटीपी, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें यही सारी प्रोसेस सीखनी है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे नोट सिलेबस में भी मेंशन है हमको कहाँ फोकस करना है, साइकिल्स, यानी कि हमको उनको एक्सप्लेन नहीं करना, उनकी साइकिल याद कर लेनी है और लिख करके एग्जाम में चले आना है। उसी साइकिल को एक्सप्लेन कर दोगे तो चल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। क्या होने वाला है? एटीपी हम लोगों को क्या बनानी है? एटीपी बनानी है। स्टार्ट करें। तो आज हम शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना, इसके अंदर दो कन्वर्जन देखेंगे पहले। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। ठीक है ना, और ग्लूकोज के बाद, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कैसे टूटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वो सीधा सीधा उसने सिलेबस में क्या मेंशन किया है? ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज टूट चुका है, तो अब हम ग्लूकोज कैसे किसमें आएगा, कन्वर्ट होगा एटीपी में, कैसे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, ये कहानी हमें समझनी है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है एटीपी में कैसे कन्वर्ट होता है, थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं। ग्लूकोज पहले टूटेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, जहां पे हम लोग कहते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसकी एक साइकिल थीम बता देता हूं जिससे दिमाग में सेट रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा तो यहां से ये बदल जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में स्पेलिंग शायद मेरे को लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करता है टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, टीसीए साइकिल में ये मतलब ग्लूकोज से क्या मिला हमको? पायरुविक एसिड मिला, प्लस यहां पर हमको कुछ एनएडीएच और एटीपी मिल जाती हैं, कुछ मिल गई। बाद बाकी पायरुविक एसिड कहां एंटर करता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। यहां पर हमको ढेर सारे क्या मिलते हैं? NADPH2। ठीक है ना, ये जो होता है ये एनर्जी सोर्स होता है। ये NADPH2 जो ढेर सारे हमें टीसीए साइकिल से मिलेंगे, ये एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किसमें एंटर करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहां से अल्टीमेटली हमको क्या मिलती हैं? एटीपी, और ये स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। तो लंबी प्रोसेस है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो एनएडीएच क्रिएट होते हैं वो एंटर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा यहां तक रहेगा। ठीक है, जिससे कि दिमाग में एक बात सेट हो जाएगी। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा यहां तक रहेगा कि हम लोग ग्लूकोज को एनएडीएच2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एनएडीएच2 किस तरीके से ईटीसी में एंटर करेगा और वहां से किस तरह से एटीपी बनेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बात क्लियर हो गई होगी दिमाग में अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या पढ़ने वाले मेटाबॉलिज्म में? एनर्जी। आ जाओ स्टार्ट कर लें फटाफट। ओके, तो देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बेसिक समझ लें पहले क्या है। तो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस। पहले बताया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लाइफ जिससे कि बनी रहे ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म आर, तीन मेन फंक्शन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन फूड टू एनर्जी अवेलेबल टू रन सेलुलर प्रोसेस। सबसे पहला क्या है, फूड के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उस एनर्जी को हमारे लिए मौजूद कराना जिससे कि रन हो सके सेलुलर प्रोसेस, सेल की जो गतिविधियां हैं वो चल सके। फूड से एनर्जी निकाल करके सेल को एनर्जी देना, यानी कि यहां पर अल्टीमेटली बात किसकी हो गई? एटीपी प्रोडक्शन की। यही हमारा टॉपिक है मेन। द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट, ये भी हम देखेंगे। यहां पर हमारे पास ग्लाइकोजन वाला पार्ट आएगा कि कन्वर्जन ऑफ फूड, फूड को कन्वर्ट करना किसमें? प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में एंड कार्बोहाइड्रेट में। तो फूड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये हम देखेंगे थर्ड लेक्चर में आएगा। यानी कि जो ग्लूकोज बनता है वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक काम ये भी है, ये भी इसका हमारे कोर्स में है थोड़ा सा। द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको भी शायद थोड़ी सी हिंट आएगी इसमें बीच बीच में, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो सबसे मेन जो यहां पर चैप्टर की थीम रहेगी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, खाने का एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, वही साइकिल वगैरह सारे जो चलेंगी अपने, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सारा उसके चलेंगी। इसमें अभी हम कार्बोहाइड्रेट में किस तरीके से जो ग्लूकोज है ना, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से किस तरीके से ग्लाइकोजन बनेगा ये भी हम देखेंगे। ये भी अगेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारा फूड स्टोरेज है। यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो चपाती की थी वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटता है और हमको एनर्जी देता है। ठीक है, समझेंगे उसको अभी हम लोग, अभी आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बात समझ में आ गई। अब मेटाबॉलिज्म में एक टर्म आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का वर्ड क्यों आया? क्योंकि रेस्पिरेशन इज प्राइमरीली अ सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म में खासकर यानी स्टेप वन की बात करूं तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा पार्ट वन है, स्टेप वन है कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल हो गया? रेस्पिरेशन। एंड द फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो फिनोमिना है यानी कि रेस्पिरेशन वाली जो चीजें हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया का जो है वो फॉलो करता है। यानी कि एनर्जी को यील्ड करने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। इन दिस प्रोसेस हाई एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स आर ब्रोकन। क्या होता है? जो हाई एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, तीनों को समझेंगे हम लोग, आर ब्रोकन डाउन इन स्टेप वाइज मैनर, स्टेप वाइज है ना, स्टेप वाइज मैनर में टूटते हैं अंडर एंजाइमेटिक कंट्रोल। और ये सारी प्रोसेस इंजाइम्स के कंट्रोल में रहती है, इंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ लोअर एनर्जी कंटेंट। ठीक है ना, और ये टूट जाते हैं लोअर एनर्जी कंटेंट सिंपल सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में। एनर्जी इज लिबरेटेड एट सर्टेन स्पेसिफिक स्टेजेस, और बीच बीच में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती रहती है। एंड ट्रैप्ड इन एडीपी एंड स्टोर्ड इन पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज होती है, ट्रैप की जाती है किसके द्वारा? एडीपी के द्वारा। समझ में आ रहा? एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, एडिनोसाइन है ना, इसका तो पता ही होगा, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है ये तुरंत उस एनर्जी को आईपी के साथ मिला करके क्या बना लेता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक बॉन्ड बना लेगा और उस एनर्जी को हमारे बॉन्ड के रूप में स्टोर करता है। फिर जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी वापस से ब्रेक करेगा और ढेर सारी एनर्जी रिलीज करवाता है फिर ये, ठीक है ना। जो एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हुई थी, यहाँ पे मैं लिख दूं एनर्जी प्लस एडीपी प्लस आईपी, क्या बन गया एटीपी। एटीपी जब टूटेगा तो वापस से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो मैं इसमें चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा रहा हूं। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ये एनर्जी है, बहुत सारी एटीपी मेरे अंदर टूट रही है इस समय। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे आते हैं, तो रेस्पिरेशन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। अच्छा, हम लोग अल्टीमेटली ग्लूकोज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, चीजें जो है ग्लूकोज के ही रूप में टूटती हैं। मतलब प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो, वो ग्लूकोज का जो रूप है पायरुविक एसिड, उसी रूप में आकर के मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज के रूप में ही सारी चीजें कन्वर्ट होकर के फिर हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। क्लियर है। रेस्पिरेशन में भी आदर एरोबिक और एनारोबिक, जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूद में होगा तो एरोबिक, और विदाउट ऑक्सीजन होगा, विदाउट ऑक्सीजन भी होता है, हमारे कोर्स में नहीं है तो हम सिर्फ समझ लें ऐसा होता है बिना ऑक्सीजन का। ये कहाँ होता है विदाउट ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में जब तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत तेज कोई काम कर लेते हो, जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है ना, हम कहते हैं पैर भारी भारी जैसे हो गए हैं। तो वो बिना ऑक्सीजन का जो ग्लूकोज होता है बर्न हो रहा होता है, क्योंकि इतना फास्ट हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मसल्स के सेल्स के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर जो ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन के बर्न होता है और लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। एनर्जी देने की बजाय लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है और पेन करती है। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। इसको रिपीट कर लेना, प्ले कर लेना वापस, अगर वर्ड समझ में ना आए हो तो। ओके तो ये यहां तक बेसिक बातें होगी हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को थोड़ा सा बात कर लें। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद ग्लूकोज यूजुअली, आमतौर पर, जनरली, है ना, 99% जो स्टार्ट होती है ग्लूकोज से ही स्टार्ट होती है हमारी रेस्पिरेशन। इन एरोबिक एंड एनारोबिक ये वर्ड जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेशन इनिशियल रिएक्शंस आर कॉमन, शुरुआत की रिएक्शंस कॉमन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। शुरुआत की रिएक्शन कॉमन होगी और रिजल्ट क्या होगा, ग्लूकोज जब बर्न करेगा, ये ग्लूकोज है शुरुआत में किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। चाहे ये हमारा शुरुआत की जो स्टेप है, पहले स्टेप, ठीक है, ये देखो एब्सेंस ऑफ O2 चाहे प्रेजेंस ऑफ O2, शुरुआत में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में टूटना ही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, द प्रोसेस पायरुविक एसिड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे। शुरुआत में जो ये टूट रहा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कह लो या फिर EMP पाथवे। EMP क्या होता है, एमडेन मॉरन पाथवे कहते हैं इसको, एक नाम है, साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है इसका, ठीक है ना। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर O2, ठीक है। जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड वाली, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर होगी बात, याद रखना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस स्टेज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फेट मतलब भविष्य, फेट मतलब भविष्य। इस स्टेप के बाद ये जो पायरुविक एसिड है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, किस तरीके से आगे जाके प्रोसीड होगा, या किस तरह से इसके ऊपर रिएक्शंस होने वाली हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन के बिना, उसके हिसाब से उसका भविष्य डिसाइड होता है। ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरुविक एसिड पूरा पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और हमको CO2 H2O और एनर्जी दे देगा, अगर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ओके। If oxygen is present, there is complete oxidation of pyruvic acid and H2O, CO2 and chemical reactions through which this occur is called ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी कि ऑक्सीजन कहाँ होगा, ऑक्सीजन होगा तो ये TCA साइकिल से होता हुआ गुजरेगा ये। ठीक है, आगे आते हैं। दिस साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। TCA साइकिल कहाँ होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा, मार्क करेंगे इसे, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, पायरुविक एसिड फॉर्म इथाइल अल्कोहल। पायरुविक एसिड क्या फॉर्म करेगा, इथाइल अल्कोहल। पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, एंड CO2 विदाउट द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। यहां पर किसी टाइप का सेल ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन, ये जुड़ा हुआ है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फिलहाल ये वाला हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको ध्यान नहीं देंगे, हमारे कोर्स में ये है। तो एरोबिक एनरोबिक का स्टेप समझ में आ गया, पहला स्टेप कॉमन है, ठीक है। उसके बाद टीसीए साइकिल होगा तो यहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगा, एक बात क्लियर होगी। ये छोटी छोटी बातें बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में आएंगी तो दिक्कत होगी, तो बड़ा ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। पहले दिमाग में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में इंट्रो दिया है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फटाफट क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एटीपी में तोड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, वो स्टेप अपने कोर्स में नहीं है। अब ग्लूकोज से आगे आते हैं, तो ग्लूकोज पहले किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में, जिसको कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ओके आ जाओ, है ना, एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई यहां तक। कोई बात लगता है कि यहां समझ में तो आ गई लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो गया तो वीडियो को पॉज करें, या आपके YouTube पे ऑप्शन आता है ना वो स्पीड को कम ज्यादा करने वाला, अगर कभी लगता है कुछ बच्चे कहते हैं सर कई बार बहुत फास्ट हो जाता है, तो उसमें जो स्पीड होता है ना उसको स्लो कर लें, फास्ट कर लें। अगर लगता है कि पढ़ा हुआ टॉपिक है तो स्पीड को फास्ट कर लें, उसको फास्ट करके देख लें, चॉइस आता है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर होगी, एरोबिक एनरोबिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं स्टेप 1 ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमडेन मॉरन पाथ, 3 साइंटिस्ट थे, पाथवे या EMP पाथवे भी बोल देते हैं इसको हम लोग, क्लियर है बातें, ठीक है। अब इन दिस प्रोसेस ईच मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, हर एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो टूटेगा इन स्टेप वाइज बायोकेमिकल, है ना, देखो स्टेप्स हैं, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, पूरा स्टेप वाइज समझेंगे हम लोग। स्टेप वाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस अंडर एंजाइमेटिक कंट्रोल, और ये सारे स्टेप एंजाइम्स के कंट्रोल में होंगे, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ध्यान रखना अगेन ये तुम्हारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो यहां से तुरंत देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज ब्रेक कर जाएगा 2 पायरुविक एसिड में, इस तरह से याद करने के तरीके होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज पहले 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, ओके हो गया। ऑल दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा ये, कि ग्लाइकोलाइसिस होती कहां है, साइटोप्लाज्म में। उम्मीद करता हूं साइटोप्लाज्म पता होगा क्या होता है। स्टार्च और अदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर देयर यूटिलाइजेशन इन दिस प्रोसेस, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर एक और चीज में लिख दूं मैं, तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, उनके अंदर भी सेम प्रोसेस रहती है, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर यानी प्रोसेस सेम रहेगी। तो हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट पहले किस में जाएगा, ग्लूकोज में, वो अपने कोर्स में नहीं है, अपने कोर्स में क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्ट होना है ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल स्टार्ट होने जा रही है, और यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, सर कोई ट्रिक बता दो, कुछ ये कर दो, कोई वो कर दो, फलाना ढिमका, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बात को समझो, तरीका बेटा। अब इसको ना एकदम से कम जब इसको पढ़ने जाओगे तो एकदम से याद करने की कोशिश मत करना। जो तरीका मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया था वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कुछ और तरीके और मेरे से अच्छे तरीके हो सकते हैं। फिलहाल सबसे पहला तरीका है बेटा, इसका ढांचा तैयार करो, ढांचा इन द सेंस, अब तुम्हें ये ऐसे याद नहीं होगा। तो पहले क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड हो गया। ये फॉस्फेट आता कहां से है, एटीपी एडीपी में टूटेगा, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। एंजाइम्स जो है ये जो इस तरफ मैंने एंजाइम्स लिखे हुए हैं, इनको लास्ट में याद करना, एंजाइम्स को आखिर में याद करना। तो थोड़ी देर के लिए एंजाइम्स को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए एंजाइम्स को भूल जाओ। अब देखो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का जी याद करो, जी से क्या हुआ, G6-फॉस्फेट, इस तरीके से ढांचा याद होगा, और लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा। मैं बस वही तरीका बता दे रहा हूँ, बाद बाकी साइकिल है, याद करने वाली चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर, बात समझ में आई। तो देखो जब भी हमारा फॉस्फेट ऐड होता है तो एक एटीपी हमारी खर्च हो जाती है। एटीपी आएगी कहां, यानी कि यहां पर क्या होगा, मेरे पास जो एटीपी होगा कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, भाई फॉस्फेट तो यहीं से निकलेगा, एनर्जी खर्च हो गई यहां पर। अब देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, फॉस्फोग्लूकाम्यूटेज है ना, एक तरह का हम कह सकते हैं म्यूटेशन हो गया, इसका रीअरेंजमेंट सा हो गया है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब यहाँ पे कोई फॉस्फेट तो ऐड हुआ नहीं, 6P था, 6P अभी भी, केवल ग्लूकोज से फ्रक्टोज हो गया, यानी कि यहाँ पे केवल कोई एंजाइम काम कर गया होगा। तो मैंने कहा एंजाइम को बाद में रखेंगे, हम लोग याद करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, एक फॉस्फेट और ऐड हुआ, तो यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, बीपी कर लें, ठीक है। यानी कि यहां पर एक फॉस्फेट और ऐड हो गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर एक और एटीपी हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया होगा। एंजाइम्स बाद में याद करोगे, देखो अगर सबसे पहले ढांचा याद करना है जी। अब देखो कैसे, यहां पे रुक जाओ, अब यहां तक आ गए, यहां पे रुक जाओ। अब ऐसे याद होता है, तुम लोग जो एकदम से याद करने लगते हो ना तभी भूल जाते हो। अच्छा जी, G6B, F6B, F16BP, जी G6P फिर कन्वर्ट हो गया F6P में F16BP, यानी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इस तरह से ढांचे याद करोगे तो इजीली याद होगा बेटा, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक है ना। यही तरीका है याद करने का। मैं फिलहाल पूरा एक बार दिखाता हूं किस तरह से, बाद में अगर इससे अच्छा तरीका आपके पास हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं करूंगा, यही तरीका इस्तेमाल करें। अब होता क्या है, अब ये साइड वाले को बोल जाओ, हम पहले की स्टेट चेन याद करेंगे, है ना, बीच में ये बवाल नहीं पालेंगे अभी। अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या हो गया ये, ठीक है, ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमराइज। इसने यहां पर क्या करा दिया है, आइसोमराइजेशन करा रखा है। तो फिलहाल हम यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पे हमें कुछ नहीं करना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एक फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये क्या है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट। इसको मैं थोड़ा सा यहां थोड़ा सा नेमिंग, अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड से किसमें बदला, ये ग्लिसरेट में बदला, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, ये वाले स्टेप में 1,3 बाइफॉस, ये जो देखो एनएडीएच, ये बेटा एनएडीएच, एक एनएडीएच मैं यहां पे बता दूं, NADH2, जो ये NADH होता है, एक NADH पैदा करता है 3 ATP, यानी कि यहां पर एक एनर्जी NADH, यही NADH आखिरी में हमारे इस्तेमाल में आएंगे। कैसे आएंगे, ये एनर्जी क्रिएट करेंगे बाद में। तो यहां पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहां पे हमारे पास क्या हो गया है, कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। अब NADH भी कैसे आएंगे, NAD प्लस से आते हैं, किससे आते हैं, NAD प्लस, क्या जुड़ेगा इसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ना फॉस्फेट, यहाँ पे यानी कि एनर्जी कैद हो रही है, फॉस्फेट बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, और ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 NADH प्लस 2H प्लस, चाहे 2H+ कर दो या NADH2 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे NADH2 भी कुछ लोग लिख देते हैं। अब आगे आते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ी सी चीजें अब याद करने वाले हो जाएंगे कि अच्छा पहला NADH कहां निकला, G3P की है, जब 1,3 BPG में जा रहे हैं तब। अब G3P पता होना चाहिए ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। ये धीरे धीरे याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। पूरी साइकिल चाहो तो, अब जैसे यहां पर टोटल मैं दिखाऊं तुमको, टोटल कितने स्टेप हैं, 10 स्टेप हैं। तो ऐसा कर सकते हो, 5 स्टेप आज याद किए, 5 स्टेप शाम को याद कर लिए, और फिर इस तरीके से साइकिल पूरी होगी। कोई भी एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है। अच्छा बहुत से लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कुछ बच्चों जिनको दिक्कत है उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग याद कर सकते हैं ओके। अब ये पॉइंट जरूरी है, एनर्जी कहां निकली हमारी। अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, बी तो बाई के लिए हो गया, तो ये हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमें पकड़ना पड़ेगा। जब यहां जा रहे हैं तो अगेन हमारे पास दो जो एडीपी हैं, यानी डाइफॉस्फेट था, वो 2 ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगेन एनर्जी निकल रही है, यही हमारे काम में आएगी। अगेन क्या निकली, एनर्जी निकली। अब क्या है, 3 फॉस्फो जो ग्लिसरेट है, वो आ जाएगा हमारे पास 3,2-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यानी कि जब भी लोकेशन चेंज होगी तो आइसोमराइज, म्यूटेज, म्यूटेज मतलब आइसोमरेज, यहां पे हम लोग आइसोमरेज भी कर सकते हैं, आइसोमराइजेशन करा दिया, क्या करा दिया, आइसोमराइजेशन। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब यहां जाते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अल्टीमेटली किस में बदल रहा है, पायरुवेट में, किस में बदल रहा है, पायरुवेट में। और अगेन यहां पर हमारे पास एडीपी से एटीपी निकल रहे हैं, कितने, 2 मॉलिक्यूल। तो ये बेटा एकदम से हो सकता है याद ना हो, लेकिन सीक्वेंस से याद करो। देखो ये जैसे 3 PG 2 PG ये याद हो गया आसानी से, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, देन पायरुवेट, केवल पायरुवेट। तो ये इस तरह से, अच्छा पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट, ये 2 PG है, 3 PG है, इस तरीके से एक मैचिंग लेके चलेंगे, चीजें इजीली आसान से याद हो जाएंगी। अब यहां थोड़ा सा ये था कि अलग सा आ गया था एकदम से, तो इसको अलग से याद कर लोगे, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बना करके याद चलोगे, याद करते हुए चलोगे तो इजीली याद हो जाएगा। और यहां पर अब कुछ नहीं हमारे पास, तो क्या हो गया, ग्लूकोज से अल्टीमेटली क्या बदला, पायरुवेट। ग्लूकोज से किसमें चेंज हुआ, पायरुवेट। एक स्टेप यहां पे याद रख लो। अच्छा इतना स्टेट भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कर सकते हो। जब यहां से हम यहां जाते हैं तो होता क्या एक्चुअली, ये डायरेक्ट भी जा सकता है और इस तरह घूम के भी जाता है कई बार, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, इसका और भी कुछ काम रहते हैं। तो ये यहां से यहां पे भी जा सकता है, फिर यहां से घूम के वापस यहां आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि जब यहां से यहां आ रहा है तो एल्डोलेज लग रहा है, यहां जा रहा है, फिर ये यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अब यहां पर क्या है बेटा, ये एंजाइम को ना जैसे 10 स्टेप हो गए तो एंजाइम को ना ऐसे याद कर लो, हेक्सो काइनेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, 2-2 3-3 करके, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको सीक्वेंस में याद कर लो। फिर इनको बस पहले नंबर पे हेक्सोकाइनेज उठा के यहां लगा दिया, दूसरे नंबर पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है ना, म्यूटेज है, म्यूटेशन हो रही है, यहाँ पे आइसोमरेज भी कई बार हम लोग लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। म्यूटेशन हो रही है, नाम कई बार थोड़े से मिलते जुलते होते हैं तो नाम अलग अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एल्डोलेज, तो 1 2 3 4 5 याद हो गए, फिर 5 याद कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से एंजाइम को सीक्वेंस में याद अलग कर लो, ये अलग याद कर लो, फिर एंजाइम तो सीक्वेंस में 1 2, अच्छा पहला ये था, दूसरा ये था, वो यहां सेट कर दिया। एंजाइम ये एक साथ याद करोगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, एक पार्ट ये याद कर लो और 10 एंजाइम सीक्वेंस में अलग लिख लो, उनको बस उठा करके जब बनाओगे ना एग्जाम में तो यहां लिख दोगे। क्लियर हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस खत्म, ओके, ठीक है। तो यही ग्लाइकोलाइसिस है, याद करनी है और कुछ नहीं है। किसमें आगे हम लोग कन्वर्ट होकर के, पायरुवेट में। अब देखो मजेदार चीज, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो इसको किसने दिया था, हैंस क्रेब्स, ठीक है ना। हैंस क्रेब्स ने 1931 में ग्लाइकोलाइसिस किसने दी थी, EMP, जो 3 साइंटिस्ट थे, इनको हैंस क्रेब्स ने। तो इसी नाम से कई बार हम इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब ध्यान रखना, प्रोड्यूस्ड बाय पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो बना हमारा ग्लाइकोलाइसिस में, वो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करेगा, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जो ये साइकिल है, ये कहां जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो चलो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पायरुविक एसिड ए बना, ठीक है ना। अब पायरुविक एसिड, अब यहां पे बात समझना है, देखो फैट हो गया चाहे अपना प्रोटीन हो गया, मैंने कहा था ना अल्टीमेटली हम लोग क्या पैदा कर रहे हैं, एनर्जी, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो। तो ग्लाइकोलाइसिस बड़ी फेमस है, तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं हम लोग। और फैट में क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जो पढ़ेंगे हम लोग। प्रोटीन का क्या होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और अमीनो एसिड एलानाइन में कन्वर्ट होता है। यानी कि चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो, ये भी अल्टीमेटली कहां घुसेंगे आकर के, टीसीए साइकिल में आकर के। अब देखो फैट क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर के क्रेब्स साइकिल में घुसता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब देखो इसी बीच में यहां पर क्या निकल रहा है, एनएडीएच, और साथ साथ में क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है यहां पर। ठीक है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ वो ये रहा, प्रोटीन एमिनो एसिड ग्लाइसिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए। प्रोटीन ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से टीसीए साइकिल के अंदर एंट्री ले सकता है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? दिमाग में इसको है ना अच्छे से सेट करो कि टीसीए साइकिल और टीसीए साइकिल के बाद जो हम पढ़ेंगे, जो अपना सिलेबस का लास्ट लेक्चर होता है बीटा ऑक्सीडेशन, उसको हम यही कवर करेंगे, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में। उसमें मतलब जितना भी किस तरह से एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, तो सारी चीजें अल्टीमेटली कहाँ घुसी, आकर के टीसीए साइकिल में, चाहे प्रोटीन है, फैट है, चाहे अपना कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब इसको समझ लें अच्छे से क्या है ये। तो देखो अब इसको भी याद करने का तरीका है, हम क्या याद करेंगे, ढांचा। क्या याद करेंगे, ढांचा। सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, केवल मेन टर्म्स याद करोगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां से शुरुआत होगी, ये तो एंटर कर रहा है इसके अंदर, तो शुरुआत होगी यहां से। अब देखो यहां पे बताता हूं मैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या याद करेंगे, ढांचा। ढांचा मतलब मेन चीज। तो देखो सिट्रिक एसिड, तो इसको जो मैंने याद किया था वो कैसे था, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड लगभग आ रहा है, तो यहां पे मैंने इसको क्या किया था, ऐसे याद किया था, सी सिस आइसो। बात समझना। अब पहले फिर तुम्हें ये भी, सी से सिट्रिक एसिड, आइसो से सिस से सिस एकोनिटिक एसिड, देन आइसो आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सा अल्फा कीटो, सी सिस आइसो ऑक्सा अल्फा कीटो। ठीक है ना। अब देखो सक्सिनिल एस कोएंजाइम है और सक्सिनिक एसिड। अब दोनों यहां पर क्या है, एस एस है, तो यहां पर हम लोग क्या याद करेंगे, एस स्क्वायर, दो हैं एस एस। देन फ्यूमेरिक, मैलिक और ऑक्सिलिक एसिड, एफ एम ओ, और यहां आ गया अपने पास क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये हो गया अपने पास ढांचा, याद हो गया अपने को। एक टाइम लगेगा, आप तुम शुरुआत में भूलोगे कि अरे सर आपने तो ये लिख दिया, एफ से हम फ्यूमेरिक एसिड कैसे याद रखें, एम से मैलिक एसिड कैसे याद रखें, तो धीरे धीरे याद होगा। तो कम से कम हमें यहां से एक चीज पता चल गई कि हमें कितने यहां पे लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमें 10 कंपाउंड को लिखना है। तो धीरे धीरे चीजें याद होंगी एक एक करके, एकदम से याद करने मत बैठ जाना। अभी क्रेब्स साइकिल है, 3 दिन का टाइम लेना, सबसे पहले ये याद करना। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्सा सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, 2 हो गए यहाँ पर। अच्छा, एस स्क्वायर है यहाँ पर, एस एस 2 होंगे, यानी 11 हो गए एक तरह से। देन फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फ्यूमेरिक मैलिक, ये तो कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड हो गया, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया। ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आया कहां से है, ये हमारा पायरुविक एसिड से आया। इस तरीके से जब ये याद हो जाए, ठीक है, फिर यहां पर एरो वगैरह बनाओगे तुम लोग, क्या क्या चीजें लिखनी है वो मैं बता रहा हूं मैं, उसके बाद याद क्या क्या करना है, किस किस पॉइंट पर। एक तो तुम्हें एंजाइम से याद करनी है, क्या याद करने हैं। अब देखो ये बड़ा आसान है, सिस एकोटोनिक एसिड है, एकोनिटेज, ठीक है, यहां पे भी हमारे पास क्या है, एकोनिटेज है, फिर ये क्या, आइसो, तो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम्स को बाद में याद कर लोगे, यहाँ पे नंबरिंग कर लेना अपने हिसाब से, है ना। ये 1 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो एंजाइम को इसी सीक्वेंस में जैसे वहां याद कर सिखाया था, अलग से याद कर लोगे। मेन चीज तुम्हें क्या याद करनी है, ये Na2H किस किस पॉइंट पे निकल रहे हैं, और Mn2+ मैग्नीज, ये भी खैर एक बार में याद ना रखो, ये याद रखो, इसको भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं इसको याद रखो। Na2H यहां निकला, ठीक है। अब देखो जो ये है अल्फा कीटो, इसके दोनों तरफ CO2 यहां भी निकल रहा है, CO2 यहां भी निकल रहा है, इसको दोनों तरफ CO2 निकाल दोगे। फिर यहां पर NADH निकला, फिर यहां पर क्या है, GTP निकला, यहां पर क्या है, FADH निकला, यहां पर क्या है, NADH निकला। तो एक ये CO2 याद कर लोगे, GTP, ये जब तुम लोग याद कर लोगे यहां पर, ये चीज मेन है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज मेन है, ये भले मत याद करना कोएंजाइम H2O इसमें कन्वर्ट हो गया ना, कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है। केवल हमें मेन चीज क्या याद रखनी है, एनएडीएच, क्योंकि हमें एनर्जी से मतलब है, एनर्जी और एंजाइम्स, मेन ढांचा। अब एनर्जी आइसो के बाद यहाँ एक एनर्जी निकल रही है, निकाल दोगे भाई, यहाँ पर एक एनर्जी निकल रही है, एक अल्फा कीटो के बाद निकल रही है एनर्जी हमारी, अल्फा कीटो के बाद हो गया, फिर एक एस स्क्वायर के बीच में निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लिया हमने, फिर हमारा एस से एफ के बीच में निकल रही है एक एनर्जी, यहाँ निकल रही है हमारे पास, और ये निकल रही है मैलिक और ऑक्सीलेट की यहाँ पर। तो ये मार्क कर लोगे कि कहाँ पे एनर्जी निकालनी है, आइसो पे निकालनी है, यहाँ निकालनी है। इसी तरीके से बेटा याद होगी, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजों को याद करें, पहले ढांचा, फिर एनर्जी कहाँ निकालनी है, और मैंने बता दिया क्या क्या याद रखना, और आखिरी में एंजाइम्स याद करोगे, करते रहना धीरे धीरे एक दो दिन के अंदर। तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर जो है यही साइकिल बना के आनी है और कुछ नहीं करना है। एग्जाम में टीसीए आएगी तो सीधी साइकिल आएगी। अब यहाँ से वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि भाई एनएडीएच कौन कौन से स्टेप में निकल रहे हैं, स्टेप में नहीं बोलेगा, बोला किसके बाद निकल रहा है। तो ये थोड़ा सा वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ कंबाइंड होता है, तो ऑक्सलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ये सिंपल सिंपल से वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, बाद बाकी चीजें सारी याद करने वाली हैं, ठीक है ना। अच्छा ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये मत याद करना कि ये 6 कार्बन, पहले वाले का याद कर सकते हो कि सिट्रिक एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये याद कर सकते हो, बस पहला वाला। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर के इसमें घुस गया। अब यहां पर जो ये निकल के आ गए हैं, हमें क्या चाहिए, एटीपी। ये तो एटीपी है नहीं, ये किस तरीके से एटीपी में कन्वर्ट होंगे, ये किस तरीके से एटीपी में कन्वर्ट होंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो कि इसी सीक्वेंस का, इसी मेटाबॉलिज्म का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि बात को समझना क्या, हमको क्या चीज कॉमन है। अब मैं तुमको एक चीज थोड़ी सी समराइज करा दूं कि क्या चीज याद रखनी है, समझो बात को। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ये किसमें जा रहा है, ग्लूकोज में। बेटा साइकिल अब याद करने वाली चीज है, ठीक है ना, किसके बाद क्या है, सक्सिनिक कोएंजाइम ए, ठीक है, सबके नाम भी मैंने यहाँ नीचे मेंशन किए हुए हैं, इसके लिए परेशानी नहीं, धीरे धीरे करके याद होगा ये, ठीक है। जो जो चीजें बताई हैं उसको उसी तरीके से याद करोगे। बात समझ में आ गई है ना। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, जितना जल्दी इनको सही प्रोनाउंस कर लोगे, और फिर किसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, याद करने वाली चीजें किस कैसे याद करोगे वो मैंने समझा दिया है। बात बाकी इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। देखो तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा अपना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये अल्टीमेटली किसमें बदल रहे हैं, हमारे तीन चीजों में, तीन जगह से एनर्जी आ रही है हमारे पास, एक NAD2H है, GTP है, और FAD2H है। तो ये GTP, NAD2H और FAD2H, 2H कर लो या H2 कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब समझो बात को, कार्बोहाइड्रेट का सीक्वेंस तो ये रहा। अब यहीं से मैं घुसाऊं किसको, पायरुविक एसिड है, यहीं पे मैं ले आऊं किसको प्रोटीन और फैट, ये भी कहां से एंट्री मार रहे हैं, यहां से एंट्री मार रहे हैं, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये क्या थी मेरे पास, ग्लाइकोलाइसिस थी, और एसिटाइल कोएंजाइम में ये पूरी गोल साइकिल है, ठीक है। अब देखो बेटा गोल साइकिल जो है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज छुपा रखी है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या है, ये टीसीए साइकिल, ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा था कि मैंने कोई चीज छुपाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा तुमको इतना ही बनाना है, अब मैं जो चीज दिखाऊंगा वो नहीं बनानी है, ठीक है, वो समझाने के लिए है केवल, समझो बात को। अब यहाँ पर देखो तो कुछ जादू दिखाएं तुम लोगों को, ये मत बनाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज मैंने क्यों छुपा दी थी, ताकि पूरी साइकिल समझ में आई। ये जो है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां से जो ये NADH2 आया, ये जाएगा हमारा कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और 3 ATP, कितने ATP, 3 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बनाना नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं, ये केवल साइकिल बनानी थी मेन। यहाँ पर ये वाला NADH2, फिर ये वाला भी जाएगा 3 ATP बनाएगा, फिर ये वाला NADH भी जाएगा 3 ATP बनाएगा, GTP केवल 1 ATP बनाकर देता है, FADH2 2 ATP बनाकर देगा, और एनएडीएच हो गए, 3 एटीपी बना के देगा। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें जो है ना, ये एनएडीएच ये एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और हमें इतनी सारी एटीपी बनाकर दे देंगी। ठीक है, तो ये चीज तुमको बीच के एरो वाले मत बनाना। ठीक है, ये तुम बताओगे कि यहाँ पे जो हमें एनएडीएच और जीडीपी और ये एफएडीएच मिले हैं, ये कहाँ एंटर कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। यहां तक इसको अच्छे से कर लो, फिर हम बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, टीसीए साइकिल कॉमन है तीनों में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कॉमन है तीनों में। ग्लाइकोलाइसिस केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए थी। क्लियर है? और ये अपना माइंड नर्चर ऐप, ठीक है ना, मेरा नंबर है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद बाकी इस ऐप का सपोर्ट ले सकते हो, है ना, बच्चे लोगों को काफी हेल्प हो रही है इस ऐप से। और सबसे जरूरी चीज, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।